दोस्तों आज आपका रेसेट का एग्जाम हुआ है 14 मई 2023 को। सपोर्ट पेपर के आंसर की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी पीडीपी तो लग गई लेकिन सीधे आप आंसर देखिएगा। जो आपके ये क्वेश्चन आया था मतलब जो एक्टिव वाला, उसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको ध्यान रखना है। ईमेल के लिए जो पोर्टल के लिए आया था उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, एक क्वेश्चन आपके लिए आया था, आपके सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस के लिए प्रबंधन करता है वो आपका एमएस एक्सेल है। अगला जो क्वेश्चन आया था, किलो बाइट में कितने बराबर होते हैं, तो आपके 124 बाइट होते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था शीट प्लस F3 का क्या यूज होता है, तो फंक्शन को समरिज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सीटी डीवीडी कॉपी करना क्या कहलाता है, बर्निंग कहलाता है। आगे लिखा सबसे नीचे जो 36 पट्टी होती है एमएस वर्ड के अंदर वो कौन सी होती है, वो उसका नाम होता है स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कंट्रोल कुंजी का जो है साथ में यूज लिया जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। स्नैपशॉट का उपयोग किया जाता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन सही है। कीबोर्ड में टोटल कुंजी कितनी होती है, फंक्शन की 12 होती है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस मॉनिटर और प्रिंटर आप उदाहरण दे सकते हो। MICR में क्या सी के फुल फॉर्म, बहुत ही करेक्ट है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक इन जो करेक्ट रेगुलेशन है, एनिमेस जैसे प्रभाव होते हैं उसे हम दूसरी स्लाइड के लिए क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन, जैसे आप तुरंत दूसरी स्लाइड में चले जाते हो। ईमेल स्पम किसे कहते हैं, जो मतलब जग वगैरह मेल आते हैं उसे हम ईमेल स्पम के अंदर जो है भेजते हैं। इसमें आपका टेक्स्ट नंबर हो जाएगा, या तो आप टेक्स्ट व्यू कर सकते हो या फिर नंबर व्यू कर सकते हो एमएस एक्सेस के अंदर। सेल एड्रेस का सही उदाहरण आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। गूगल प्ले स्टोर क्या है, आपका एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। अगला देखते हो आप जो है क्या पूछा, इसके अंदर एनिमेशन फ्लक का उपयोग किस लिए किया जाता है, आप स्लाइड को लागू या एनिमेशन कर सकते हो इसके लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपका भी ऑप्शन सही है। यदि आप एक्सेल 10 में प्रिंटने के दौरान सभी व्यस्तों को जो है दोहराना चाहते हो, तो इसके लिए आपके लिए स्केल टू फिट है डी ऑप्शन। चार्ट शीर्षक बिल्कुल सही उदाहरण है आपके लिए। सर्चिंग का आपका सही आंसर हो जाएगा। बीसीसी फॉलो होती है प्लान कार्बन कॉपी। F5 कुंजी से आप जो है स्लाइड शो चालू कर सकते हो। इसके लिए कंप्यूटर को बजाने के लिए डीप फॉर्मेशन स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस हो गया। फॉर्मूला का उपयोग करना पड़ता है जब आप जो है कोई विशेष जो है उपयोग स्पेशल में डाटा का गणना करना हो आपको, है ना। इंटरनेट ब्राउज के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है, तो वेब ब्राउजर आपका उपयोग किया जाता है। अगला क्या, क्लीनअप के लिए कौन सा डिस्क क्लीनअप आपको हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग जो आप पूर्ववत कहीं भी कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एन से आप जो है फाइल मैनेजर खोल सकते हो। इस शॉर्टकट कुंजी से आप जो है टास्क मैनेजर खोल सकते हो। F5 कुंजी से आपको मैंने बताया शॉर्टकट कुंजी। दो बार क्वेश्चन पूछ लिया गया नई स्लाइड के लिए। एक्स के लिए आप जो है चेन के डिलीट कर सकते हो। ये आपके सारे क्वेश्चन के आंसर थे। ये आंसर की आप जो है कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, इस आंसर डाउनलोड कर सकते हो www.gyanl.com पर। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा आरएसटी का, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।